उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में अपने दो मंत्रियों को बेहद दर्दनाक मौत की सजा दी है। इनका जुर्म बस इतना था कि एक मंत्री मीटिंग में झपकी लेते पकड़े गए तो वहीं दूसरे मंत्री ने तानाशाह को सलाह देने की जुर्रत की थी। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों की माने तो तानाशाह किम जोंग उन के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री योंग जिन को झपकी आ गई थी, जो तानाशाह को नागवार गुजरा और सरेआम एयरक्राफ्ट गन से उड़वा देने का फरमान सुना डाला। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों की माने तो तानाशाह किम जोंग उन के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री योंग जिन को झपकी आ गई थी, जो तानाशाह को नागवार गुजरा और सरेआम एयरक्राफ्ट गन से उड़वा देने का फरमान सुना डाला। तो वही पूर्व कृषि मंत्री होंग मिन की ओर से पेश किए गए नीति प्रस्तावों को किम ने चुनौती के रूप में लिया और उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। तानाशाह किम की क्रूरता का आलम यह है कि अपने रिश्तेदारों को भी किम ने नहीं बख्शा। किम ने 3 साल पहले अपने ही फूफा जोंग को 120 भूखे कुत्तों के सामने मरने के लिए डलवा दिया था। तब उनकी हैसियत सरकार में नंबर 2 की थी। इससे पहले किम ने अपने सुरक्षा प्रमुख होंग योंग को भी इसी वजह से मरवाया था क्योंकि उसने किम के सामने छपकी लेने की जरूरत कर दी थी। तानाशाह किम कब क्या कर दे, यह तो सिर्फ उसे ही पता होता है। उसकी सख्त सजा की वजह से अधिकारियों से लेकर जनता तक खौफ में जीती है। देखते रहिए जीबी लाइव।